बदायूं जिले के बिलसी तहसील क्षेत्र के गांव सिरतोर में 4.5 बीघा जमीन पर कुछ दबंग लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है। जमीन स्वामी न्याय के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। आपको बताते चले, पीड़ित किशन पाल के अनुसार बचपन से ही उसकी मौसी ओमवती ने उसे गोद में लिया था। 2013 में मौसी ने अपनी जमीन की वसीयत किशन पाल के नाम कर दी। मौसी ओमवती के निधन के बाद गांव के ही कुछ लोगों ने जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। वह अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। वहीं अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए हैं। अच्छा, वो जमीन का मामला क्या है? मामला, मैं बचपन से अपने मौसी के पास रह रहा हूँ। इधर देख। बचपन से मौसी के पास रह रहा हूँ। उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, उनकी दवाई दुवई मैंने कराई सारी। मरने के बाद क्रियाक्रम भी मैंने किया। और जमीन, कुछ लोग जमीन को हड़पना चाहते हैं। बस ये तुम्हारे नाम कर गई थी वो? हाँ, मरने से पहले मेरे नाम कर गई। अच्छा, अब कौन कौन लोग हड़पना चाह रहे हैं जमीन तुम्हारी? भोला है, छत्रपाल, सदमी। प्रशासन से शिकायत की इस मामले में? हाँ जी, की है। फिर क्या हुआ? सुनवाई नहीं हो रही कोई भी। क्या चाह रहे हो? मेरी जमीन मुझे वापस दिलाओ। का मामला है, क्या है पूरा मामला? ये सर, वसीयत का मामला ऐसा है कि ये वसीयत जो है मेरे भाई के नाम है, किशन पाल के नाम है, और इसको जो है दूसरे पक्ष के लोगों ने कब्जा कर लिया है। हमारे पास सारे सबूत हैं और दूसरे पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। उनकी सुनवाई हो रही है, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें 2 महीने से भगाया जा रहा है और हम इधर से उधर धक्के खाए हैं। हमारे पास सारे सबूत हैं, सारे प्रूफ हैं। किसके नाम वसीयत है? वसीयत किशन पाल के नाम है, ये मेरा भाई है। अच्छा, दर्ज हो गई है वसीयत? हाँ, रजिस्टर्ड वसीयत है, बिलसी में 2013 में रजिस्टर्ड है। अच्छा, उसके बाद आप मतलब जो जमीन है उस पे कब्जा मिलाया नहीं है? मिलाया आपको कब्जा? ऐसा था सर, ये 9 बीघे का चक है, जिसमें 4.5 बीघे मेरे पिताजी के नाम थी, 4.5 बीघा जो मेरी मौसी के नाम थी। मौसी ने जो अपनी वसीयत है इसके नाम कर दी थी मरने से पहले ही, ठीक है। अब जैसे ही वो मर गई तो उसके मरने के बाद इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। कौन कौन लोग हैं? लोग हैं, छदम्मी है, भोला है, पदम सिंह है, मोर सिंह है, छत्रपाल है, और गांव के कुछ लोग और भी हैं जिन्होंने 20 लोगों का नाम लिखा रखा है। और ये लोग बोलते हैं हम 70 लोग हैं। अब ये क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? हम ये कार्रवाई चाह रहे हैं प्रशासन से कि हमारी जमीन पे मेरे भाई की जो कब्जा है इसे मिले। SDM वगैरह से कहा था? SDM के पास भी रिपोर्ट डाली है हमने, ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल पे 4-4 रिपोर्टें डाली है, तहसील में रिपोर्ट डाली है। ऊपर से ऑर्डर आते हैं बट नीचे से कोई सुनवाई नहीं होती।